फाइल को सेव करने के लिए हमें सिंपली फाइल में जाके सेव एज, अब इसको मैं जो भी नाम दूँ, और इसका जो फॉर्मेट है वो .ai इसमें सेव होगा। यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक किया। इसका जो वर्जन है मैं वो यहाँ से चेंज कर सकती हूँ, कोई पुराना ओल्ड वर्जन भी आप सेव कर सकते हैं। अब आप चाहे तो सारे आर्टबोर्ड्स को एक ही फाइल में सेव करें, या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है कि जो भी आर्टबोर्ड्स है उसको मैं अलग अलग फाइल में सेव करना चाहती हूँ। जाने जैसे कि मेरे पास टोटल 8 आर्टबोर्ड्स है, तो टोटली 8 डिफरेंट फाइल्स में वो सेव हो, तो जस्ट आपको ये ऑप्शन क्लिक करना है, सेव ईच आर्टबोर्ड टू अ सेपरेट फाइल। ये ऑप्शन क्लिक करते ही आपके जो भी आर्टबोर्ड्स है वो सारे एक अलग अलग फाइल्स में सेव हो जाएंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं एक ही फाइल में सेव करती हूँ, ओके कर दिया। ऐसे इसको फाइल में जाके अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करती हूँ एज अ जेपीजी फाइल, यहाँ से हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, जेपीजी, बीएमपी, जो भी फॉर्मेट आपको चाहिए वैसे। और इसको अगर मैं एक्सपोर्ट करती हूँ, कलर मोड आरजीबी, क्वालिटी जो चाहे वैसे मीडियम हाई रख लीजिए, ओके। एंड इसको अब मैं यहाँ से खोलती हूँ ऐसे, तो ये एक हमारी जो इमेज है इस तरह से हमें दिखाई देगी। इलस्ट्रेटर में बनी हुई फाइल्स को अगर आप किसी को कोई लोगो आपने बनाया है और उसे वेक्टर में ही, वेक्टर ग्राफिक्स में ही अगर आपको किसी को सेंड करना है, तो उसके लिए आप सेव एज उसमें एडोब पीडीएफ ये फॉर्मेट यूज़ करें, ओके। और जस्ट यहाँ पे पीडीएफ सेलेक्ट करके सेव कर दे उसे। बेसिक जो ऑप्शंस ऑन है एंड उसे बस सेव पीडीएफ करना है। इलस्ट्रेटर के अंदर बनाई हुई वेक्टर इमेजेस को यदि आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ शो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास दो तीन ऑप्शंस है कि या तो आप उसे सेव फॉर वेब कीजिए या फिर एक्सपोर्ट एज पीएनजी कीजिए। तो अब हमने ऑल आर्टबोर्ड्स को सेव कैसे करना वो तो समझ लिया, लेकिन अगर स्पेसिफिक किसी एक दो आर्टबोर्ड्स ही अगर आपको सेव करना है, तो उसके लिए हम पहले आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ये मैंने 1 नंबर का आर्टबोर्ड सेलेक्ट किया है, और इसको मैं अगर सेव फॉर वेब करती हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। इसको ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और इसका जो पैटर्न है GIF या JPG, PNG किस फॉर्मेट में आपको सेव करना है वो यहाँ पर मेंशन करें। मैंने PNG फॉर्मेट लिया एंड इसको हम सेव कर देते हैं। PNG एंड GIF में आप सेव करोगे तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। अगर आपने इसको JPG कर दिया तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी वाइट बैकग्राउंड ही आ जाएगा। तो GIF करेंगे या फिर PNG करेंगे तो हमारी ये जो ट्रांसपेरेंसी वो मेंटेन रहेगी। और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पर मैं इसको नंबर दे देती हूँ फर्स्ट, फाइल नेम मैंने फर्स्ट कर दिया, सेव एज इमेजेस ओनली, सेव, ओके। और इसको अब मैं ओपन करके देखती हूँ, तो ये फर्स्ट नंबर का जो है इसको अगर मैं फोटोशॉप के अंदर खोलूंगी तो ये जो बैकग्राउंड है ये ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा और फर्स्ट नंबर का आर्टबोर्ड ही सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है। उसी तरह से अगर सपोज मुझे 3-4 आर्टबोर्ड्स अगर चाहिए, तो मैं या तो फाइल में जाके, अब जैसे मैं एक्सपोर्ट के साथ आपको दिखाती हूँ, इसको मैं यहाँ पर पिक्चर्स में सेव करती हूँ, इसको मैं फाइल देती हूँ एंड सेव एज टाइप PNG। दूसरे भी अदर फॉर्मेट्स हैं लेकिन मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए इसलिए मैं PNG में सेव कर रही हूँ। और यूज आर्टबोर्ड्स, अब यहाँ पे मैं ऑल आर्टबोर्ड्स भी ले सकती हूँ या फिर रेंज स्पेसिफाई कर सकती हूँ। जैसे कि मैंने लिखा 3, 6, 8, यानी 3rd नंबर का आर्टबोर्ड, 6th नंबर का आर्टबोर्ड और 8th नंबर का आर्टबोर्ड, ये मैं दे सकती हूँ। या डाय तो इसको 1/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1-4 में जितने आर्टबोर्ड्स आ रहे वो सारे, या फिर इंडिविजुअली इसका नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं 3, 6, 8। अब मैंने जैसे ही ये 3, 6, 8 यहाँ पर दिया, तो ये तीन अलग अलग फाइल्स में, ये PNG फॉर्मेट में तीन फाइल्स को सेव करेगा ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ। ऐसे यहाँ पर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड ऑन किया हमने, वाइट एंड ब्लैक भी आप चाहे तो ले सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए हमने ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड लिया। और इसको यदि मैं खोलूँ तो देखिए ये 3 नंबर का यहाँ पर, मैं अगर फोटोशॉप में जाके इसको खोलती हूँ, तो ये 3rd नंबर का आर्टबोर्ड यहाँ पर आ गया। उसी तरह से 6 एंड 8 भी इसी तरह ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ हमें दिखाई देंगे।
तो इस तरह से आप इलस्ट्रेटर में नई फाइल बना सकते हो, आर्ट बोर्ड्स के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टवर्क्स आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू।